नमस्ते दोस्तों, यह जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। बस शर्त यह है, आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। कहानी यह है कि एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी, इधर से उधर घूम रही थी। उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद जंगल में इधर उधर घूमने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, तो इतने में उसे पानी की नदी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह झाड़ियों से उठकर फौरन पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ती है, तो वह देखती है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी सी नदी है। जैसे ही वह उस नदी को देखती है तो वह खुश हो जाती है, मानो उसे नई जिंदगी मिल गई है। वह फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है, और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर नदी में डुबोती है तो उसकी नज़र अपने दाईं ओर पड़ती है, और वह जैसे ही अपने दाईं ओर देखती है तो उसे शिकारी नजर आता है, जो हाथ में तीर लेकर निशाना तानकर खड़ा हुआ था। और वह अपने बाईं ओर देखती है तो शेर नजर आ रहा था। सामने तो गहरी चौड़ी लंबी नदी थी, और पीछे आग लगी हुई थी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। वह सोच में पड़ जाती है, और वह सोचती है कि चारों तरफ से मेरे ऊपर मुसीबत आ गई है, तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं? मुझे वैसे भी मरना है, तो मैं पानी पी करके क्यों ना मरूं? वो तो पानी पीने में लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, जैसे ही वे पानी पी रही थी, इतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग पीछे लगी हुई थी वह पानी से बुझ जाती है। पानी के कारण शिकारी का निशाना भी चूक जाता है, और जो क्या शेर को लग जाता है। अब शेर की नज़र पड़ती है सीधा शिकारी पर, तो शेर शिकारी के पीछे भागने लगता है। और जैसे ही हिरन पानी पीने के बाद अपना सिर ऊपर उठाती है तो हिरन को पता चलता है। वह अपने दाईं ओर देखती है तो उसे शिकारी कहीं पर भी नजर नहीं आता है। वह अपने बाईं ओर देखती है तो उसे शेर भी नजर नहीं आता है। वह अपने पीछे मुड़कर देखती है तो उसे आग भी बुझी हुई दिखती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में भी प्रॉब्लम आती नहीं है, और जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण अपनी प्रॉब्लम से हर इंसान घबरा जाता है। तो आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में? आपको पहली बात तो डरना नहीं है और ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे कि हिरन सारी सिचुएशन को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से 2 मिनट सोचा और वह अपने काम में लगी रही और वह पानी पीने लगी। इसी तरह इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी दूर पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती है, घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, इस कारण वह इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है, वह घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको बस यह करना है, काम पर बने रहना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो मुश्किलों से घबराना नहीं है, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और जब तक सफलता ना मिले, कोशिश करते रहें और रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखते रहें।